किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको बता रहे हैं कि जो आप बीज खेतों में बोते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, उसकी जान उसके उस वर्गीकरण के क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी। तो आमतौर पर पौधों का कोई भी भाग जो बिजाई एवं दोबारा उत्पादन में उपयोग होता है उसे हम बीज कह सकते हैं, परंतु फसल उत्पादन के क्षेत्र में बीज कोट के साथ कवर एवं निषेचित परिपक्व बीजाणु को बीज कहा जाता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से ही एक अच्छी फसल की संभावना हो सकती है। अन्य सभी सस्य क्रियाएं एवं मृदा की गुणवत्ता के बावजूद भी अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो तो कोई भी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। जैसे एक पौध प्रजनक अच्छे गुणों को हस्तांतरण करके एक उत्तम गुणवत्ता की किस्म तैयार करता है, उसी प्रकार वही या उसी गुणवत्ता को कायम रखते हुए बीज का गुणन जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं करना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। बीजों के एक चरणबद्ध तरीके से गुणन के पश्चात यह ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए विभिन्न चरणों में हुए गुणन एवं उपलब्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण किया जाता है। इन बीज वर्गों के बारे में जानकारी होना किसानों, बीज विक्रेताओं और बीज कारोबारियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीज वर्गों की पूरी जानकारी न होने के कारण किसानों को भ्रमित किया जाता है और अंततः फसल में गुणवत्ता न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान भी हो जाता है, जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। बीज वर्गों की सही जानकारी सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यान्वित बीज उद्योग एवं कृषि शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है। बीज वर्गों संबंधी बुनियादी जानकारी भी काफ़ी लाभप्रद होती है। वर्ग संबंधित बीजों का जो वर्णन है वो हम इस प्रकार से कर रहे हैं। पहला होता है नाभिकीय बीज, जिसे हम न्यूक्लियस सीड कहते हैं। यह किसी किस्म का संकर किस्म की प्रारंभिक मात्रा है जो कि किसी पौध प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है। नाभिकीय बीज आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध बीज होता है और अन्य भौतिक अशुद्धियों को शामिल नहीं करता है। यह बीज असंक्रमित परिस्थितियों में पैदा किया जाता है तथा अत्यंत ही कम मात्रा में इसका उत्पादन होता है। नाभिकीय बीज से ही प्रयोगजनक बीज जिसे ब्रीड सीड कहते हैं का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय बीज पर किसी भी प्रकार का सूचक पत्र, टैग या लेबल नहीं लगा होता। इस बीज का कपड़े की छोटी थैलियों में टैग लगाकर एवं संबंधित जानकारी के साथ ही भंडारण किया जाता है। अब आता है प्रजनक बीज, जिसे ब्रीड सीड कहते हैं। तो नाभिकीय बीज से उत्पादित बीज को हम प्रजनक बीज कहते हैं। यह भी नाभिकीय बीज की तरह 100% शुद्ध बीज होता है। बीज उत्पादक संस्थान सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणित बीजों पर ही लेबल लगाया जाता है। ब्रीड सीड के लिए पीले सुनहरी रंग का टैग लगाया जाता है। इस बीज का उत्पादन एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है और यह वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक एजेंसी के अफसर तथा राष्ट्रीय बीज निगम के सदस्यों की निगरानी में प्रमाणित किया जाता है। टैग पर जानकारी बीज उत्पादक संस्थान का नाम, फसल का नाम, किस्म, बीज वर्ग, ढेर संख्या, निरीक्षण तिथि, शुद्धता प्रतिशत, अन्य मिश्रण मात्रा, अंकुरण प्रतिशत, आनुवंशिक शुद्धता और कुल वजन जो है टैग पर अंकित होता है। इसके बाद बीज आता है आधार बीज, जिसे फाउंडेशन सीड कहते हैं। इस बीज का उत्पादन प्रजनक बीज मतलब ब्रीडर सीड से किया जाता है। इस बीज का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किसी भी संबंधित सरकारी कृषि क्षेत्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, तालुका बीज क्षेत्र, राज्य बीज निगम इत्यादि में किया जा सकता है। यह आनुवंशिकी रूप से 99% शुद्ध होना चाहिए। इस बीज का उत्पादन सरकारी एवं निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस बीज के थैलों पर सफ़ेद रंग का लेबल एवं सफ़ेद टैग लगा होता है। इसके बाद आता है प्रमाणित बीज, जिसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं। तो प्रमाणित बीज का उत्पादन आधार बीज से किया जाता है और बीज उत्पादन कंपनियां सरकारी संस्थानों से आधार बीज प्राप्त करके प्रमाणित बीज का उत्पादन करती हैं। इस बीज की न्यूनतम आनुवंशिकी शुद्धता 98% होती है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर दूधिया हरे रंग का लेबल एवं नीले रंग का टैग लगा होता है।
बीज उत्पादक कंपनियां यह बीज किसानों को उपलब्ध करवाती हैं। अब इसके बाद आता है पंजीकृत बीज, जिसे रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। ये बीज भी आधार बीज से बनाया जाता है। कोई भी प्रगतिशील किसान एवं पंजीकृत बीज उत्पादक इसका उत्पादन कर सकता है। इसका निरीक्षण राष्ट्रीय बीज संस्थान द्वारा किया जाता है। पंजीकृत बीज की थैलियों पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है बीज की, वो है सत्यनिष्ठ बीज, या जिसे ट्रुथफुली लेबल सीड कहते हैं। कोई भी बीज उत्पादक किसान, संस्थान या कंपनी इसका उत्पादन कर सकती है। भारत में बीज प्रमाणिकता का इस वर्ग के लिए अनिवार्य न होने तथा बढ़ती बीज की मांग को पूरा करने के लिए सत्यनिष्ठ बीज एक अच्छा वैकल्पिक बीज उत्पादन है। इस बीज के उत्पादन की देखरेख उत्पादक संस्था की ही होती है। उत्पादक संस्था दूध या हरे रंग का लेबल लगाकर बिक्री कर सकती है। इस बीज की न्यूनतम आनुवंशिकी शुद्धता जो 98% होती है, इसलिए किसी भी पौध प्रजनक द्वारा बनाए गए बीज और बीज की किस्म को प्रभावी रूप से मल्टीप्लिकेशन के लिए बीज उत्पादन श्रृंखला के तहत उत्पादन करने से यह एक नई किस्म के रूप में किसानों तक पहुंच जाता है। बीज उत्पादन श्रृंखला के तहत बीज की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए बीज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है। अतः यह बीज उत्पादन का कर्तव्य, उत्पादक का कर्तव्य है कि वह बीज उत्पादन में गुणवत्ता को कायम रखते हुए किसानों के भरोसे को कायम रखे, जिससे एक अच्छी फसल के साथ साथ गुणवत्ता भी बरकरार रहे। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी किस किन के बीज की जो है तैयारी किस तरह से होती, किन किन तरह के बीज होते हैं और वो किस तरह से किसानों को पूरी प्रक्रिया के बाद मिलते हैं ताकि उनकी फसलें अच्छी हों। इसी के साथ यह हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको लाभप्रद रहेगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।